सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम रहेगा मुर्गी रोग। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पशुओं में खनिजों की कमी से होने वाले रोगों पे विस्तार से चर्चा की थी, तो वो दो वीडियो आप देख लेना। आज अपन मुर्गी रोगों पे चर्चा करेंगे, जिसमें अपन मुर्गियों में विटामिन की कमी से होने वाले रोग, खनिजों की कमी से होने वाले रोग, इसके अलावा लास्ट में देखेंगे मुर्गी रोग का वर्गीकरण, जिसमें अपन देखेंगे कि मुर्गियों में कौन से रोग हैं, वो वायरस जनित है, कौन से जीवाणु जनित है, कौन से प्रोटोजोआ जनित है। क्योंकि सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से मुर्गियों में होने वाला जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन विटामिन बी की कमी से देखते हैं कि मुर्गियों में कौन सा रोग होता है। और मैं यहाँ पर बात करूँ कि विटामिन बी में भी विटामिन B1 होता है, B2 होता है, यानी विटामिन बी का ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे अगर आपसे सीधा पूछे कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे कर्ल्ड टो पैरालिसिस। ठीक है, थोड़ा सा नाम बड़ा है लेकिन इसको समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिएगा, पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा, टो का मतलब होता है पैर, यानी पैरों में लकवा मार जाता है। जो मुर्गी के चूजे होते हैं या फिर मुर्गी होती है, उनमें क्या होता है कि पैर है उनमें लकवा मार जाता है। और ये किस कारण होता है? विटामिन बी की कमी से। और मैं बात करूं विटामिन बी में भी कौन से विटामिन से, तो विटामिन B2 से, जिसका वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो याद रख लेना, ऑप्शन में आपको ये राइबोफ्लेविन भी मिल सकता है कि कर्ल्ड टो पैरालिसिस रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो वहाँ पे ये राइबोफ्लेविन भी मिल सकता है, या फिर आपको विटामिन बी की कमी से भी मिल सकता है। क्योंकि अगर विटामिन ऑप्शन में आएगा तो वो देगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, तो आपको पता चल जाएगा विटामिन बी। लेकिन यहाँ पे ये राइबोफ्लेविन भी दे सकते हैं, तो ये भी याद रख लेना कि विटामिन बी या राइबोफ्लेविन की कमी से मुर्गियों में, मुर्गों के जो चूजे होते हैं उनमें कर्ल्ड टो पैरालिसिस रोग है वो होता है, याद रख लेना। तो पहला रोग है, इसको आप लिखेंगे। उसके बाद में देखिएगा ई की कमी से, जो ई की कमी से रोग होता है ना, ये चूजों में होता है और इस रोग को बोलते हैं क्रेजी चिक डिजीज। क्या बोलते हैं? क्रेजी चिक डिजीज। इस रोग में क्या होता है कि क्रेजी का मतलब होता है उन्मादी, चूजा है वो उन्मादी हो जाता है और इधर उधर घूमने लगता है, और यानी एकदम इधर उधर भागने लगता है, और जब तक थकता नहीं है ना तब तक वो भागता रहता है, और लास्ट में क्या है, वो थक के मर जाता है। तो ये विटामिन ई की कमी से क्रेजी चिक रोग होता है, सीधा नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसको हिंदी में उन्मादी चूजा रोग भी बोला जाता है, तो ये भी याद रख लेना। कहीं पर आप क्रेजी चिक याद कर रहे हैं, पूछ लिया उसने उन्मादी चिक या उन्मादी चूजा रोग। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से होता है। अब देखिए कैल्शियम की कमी से, ये मैं मिटा रहा हूँ, वैसे एक एक पॉइंट की बात है तो साथ में लिखते जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा विटामिन बी कर ली बात अपन ने, ई की कर ली, अब देखिएगा कैल्शियम की कमी से देखते हैं। कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है ना, वो होता है कि मुर्गियों के द्वारा अंडों को फोड़ना, मुर्गियों द्वारा अंडों को फोड़ना किस खनिज की कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से। यानी कैल्शियम की अगर मुर्गियों में कमी होगी तो मुर्गियां क्या है, एक दूसरे के अंडे फोड़ने लगती हैं, तो याद रख लेना। और मैं बात करूं कैल्शियम की कमी से अगर, यानी जो लेयर्स है, यानी जो अंडे देने वाली मुर्गी है लेयर्स, अगर उनमें कैल्शियम की कमी है तो उनका जो अंडा होगा वो पिलपिला, और उसका जो कवच होगा वो एकदम पतला होगा, क्योंकि कवच में आपको पता ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम की कमी होगी तो वो कवच है वो पतला होगा, यानी ऊपर वाला जो छिलका होता है ना वो पतला होगा। तो याद रख लेना कैल्शियम की कमी से मुर्गियों द्वारा अंडों को फोड़ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि अंडों का जो कवर होता है, कवच होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो मुर्गियाँ क्या करती है कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए इन कवचों को यानी अंडों को खाने लगती है। यानी एक प्रकार से अपन के अंडों को फोड़ रही है तो वो अंडों को खा ही रही है,
तो यहाँ पे मुर्गियों द्वारा अंडों का फोड़ना ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगर अंडा देने वाली मुर्गी है जिसको अपन लेयर्स बोलते हैं, उनमें कैल्शियम की कमी होगी तो उनका अंडा है वो पिलपिला और इसका जो कवच है भारी वो पतला होगा, ठीक है, तो याद रख लेना। अब देखिएगा NaCl, इसके बारे में बात करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसकी कमी से एक महत्वपूर्ण रोग होता है जिसमें क्या होता है कि मुर्गियां वो नरभक्षण करने लगती है, एक दूसरे को खाने लगती है, जिसको अपन बोलते हैं कि एक दूसरे को घायल करती है। तो वो आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कैनाबोलिज्म की। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कैनाबोलिज्म के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है कैनाबोलिज्म। इसको अपन बोल सकते हैं नरभक्षण। और इस रोग में क्या होता है, मुर्गियां एक दूसरे को घायल करती है चोंच के माध्यम से, यानी एक दूसरे को चोंच मारने लगती है, उसका एक दूसरे का मांस नोचने लगती है मुर्गियां। ये जो रोग होता है कैनाबोलिज्म इसको बोला जाता है, नरभक्षण इसको कहा जाता है। ये किसकी कमी से होता है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी से। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस खनिज की कमी से मुर्गियां एक दूसरे को घायल करने लगती है, एक दूसरे को खाने लगती है, तो वो होता है NaCl की कमी से, सोडियम क्लोराइड की कमी से। और इसके अलावा मैं बात करूं, एक जो टर्मिनोलॉजी आती है उसका नाम है पकिंग, इसको पिकिंग भी बोलते हैं, पिकिंग। इसमें क्या होता है, पिकिंग में मुर्गियां एक दूसरे के पंखों को कुतरती है, यानी मुर्गियों द्वारा एक दूसरे के पंखों को कुतरना, ये होता है पिकिंग। याद रख लेना, ये टर्मिनोलॉजी है। और मैं आपको जब मुर्गियों की नस्लें पढ़ाऊंगा उस टाइम ये जो मुर्गियों से संबंधित शब्दावली है वो भी पढ़ाऊंगा, और थोड़ा बहुत आपको अंडे के बारे में भी पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे भी और बता दूंगा कि पिकिंग है वो क्या होता है, मुर्गियों द्वारा एक दूसरे के पंखों को कुतरना। यहाँ पे ये जो कैनाबोलिज्म है यहाँ पे एक दूसरे को घायल करती है, एक दूसरे का मांस नोचती है, जबकि यहाँ पे पिकिंग का मतलब होता है जब एक दूसरे के पंखों को कुतरती है यानी पंखों को खाती है, ठीक है, तो याद रख लेना। अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीज की कमी से। मैग्नीज की कमी से महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना और साथ में अगर नोट्स बना रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, आप लिखते जाइएगा। तो आगे अपन देखते हैं, देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, तो वो मैं करता भी नहीं, क्योंकि इधर उधर की बातें अपन करने लगेंगे तो फिर अपन टॉपिक से भटक जाएंगे और साथ में टाइम भी ज़्यादा बर्बाद होगा। तो चलिए अपन काम की बातें करते हैं। मैग्नीज की कमी से जो रोग होता है वो मुख्य रूप से दो रोग होते हैं, एक को बोला जाता है पेरोसिस, ठीक है, ये सीधा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग होता है, पेरोसिस रोग। दूसरे रोग का नाम आता है कोंड्रोडिस्ट्रोफी। तो कोंड्रोडिस्ट्रोफी रोग होता है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा, इसमें एक पैर है वो तो हो जाता है लंबा, दूसरा पैर रह जाता है छोटा, ये होता है कोंड्रोडिस्ट्रोफी, जो कि होती है मैग्नीज की कमी से। तो सीधा आप याद रखेंगे कि मैग्नीज की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो पेरोसिस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, दूसरा है कोंड्रोडिस्ट्रोफी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक टांग छोटी रह जाती है, एक टांग लंबी हो जाती है, तो दोनों बातें याद रख लेना। अब अपन ने ये चीज़ें देख ली, अब अपन पढ़ते हैं मुर्गी रोग का वर्गीकरण, जो महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यानी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखिएगा मैं बात कर लेता हूँ मुर्गी रोग का वर्गीकरण, तो ये यहाँ पे अपन सीधा इस पर चर्चा कर लेते हैं और सारी बात जो बातें हैं वो मैं मिटो देता हूँ। तो यहाँ पे मुर्गी रोग वर्गीकरण, इसमें देखिएगा अपन तीन तरीकों से पढ़ेंगे,
जिसमें अपन देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे एक तो जीवाणु जनित, यानी जो बैक्टीरिया से होते हैं। दूसरा अपन देखेंगे वायरस से जनित, यानी वायरस जनित रोग देखेंगे। तीसरा देखेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में एक ही महत्वपूर्ण रोग है जिसका नाम है कोक्सीडियोसिस, प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जीवाणु जनित देखते हैं। तो आराम से देखिएगा, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, आराम से समझाऊंगा आपको, एक दो बार पढ़ना है उसके बाद याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी। वैसे अगर कोई आपको ट्रिक बता रहा है तो अच्छी बात है, मैं ट्रिक नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो देखिएगा कई जगह पे मैं ट्रिक यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रिक यूज नहीं करूँगा, क्योंकि चार नाम है, वो चार नाम आपको एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब आपने पशु रोग बहुत सारे साथियों ने पढ़ रखा होगा, जब पहली बार पढ़ा था तो उनको लगता था कि ये रोग अपन को याद नहीं होंगे। अब उनको पूछे कि फफूंदी कौन सा रोग है, यानी किसके कारण होता है, तो वो बता देगा वायरस के कारण, रिंडरपेस्ट वायरस के कारण। ऐसे वो बता सकते हैं कि थनेला है, इसके अलावा जो एंथ्रेक्स है, तो वो सभी रोगों के बारे में आप बता सकते हैं कि ये वायरस जनित है, ये जीवाणु जनित है, ये प्रोटोजोआ जनित है। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है। और कईयों ने ट्रिक के साथ पढ़े, कईयों ने बिना ट्रिक के साथ पढ़े, वो भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे अपन बिना ट्रिक पढ़ेंगे, जो साथी ट्रिक के साथ पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिक के साथ पढ़ना बुरा होता है, आप पढ़ सकते हैं, जिसको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो देखिएगा जीवाणु जनित रोग है, उसमें आप देखेंगे एक है पुलोरम रोग, सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। पुलोरम रोग है, दूसरे का नाम है फाउल टाइफाइड। और आपने अगर मानव रोग पढ़ा है तो आपको ये आसान लगेगा, एक है फाउल कोलेरा, या जिसको कोलेरा बोलते हैं, कोलेरा जिसको अपन बोलते हैं मुर्गी हैजा। ठीक है, इसको अपन मुर्गी टाइफाइड ही बोलेंगे। और चौथा आता है, इसका नाम है इन्फेक्शियस कोरिजा। ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं कोरिजा, जिसको बोलते हैं संक्रामक सर्दी जुकाम। अब ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पे आप इन्फेक्शियस नाम देख के सीधा वायरस पे चले जाते हैं, तो ये चार रोग हैं याद रख लेना, जिसमें एक तो है पुलोरम रोग, एक है फाउल टाइफाइड। अगर आपने पढ़ा होगा मानव रोग साइंस में, तो आपने पढ़ा होगा ये जो हैजा होता है, ये टाइफाइड होता है, ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। अपन ने क्या किया, बस आगे मुर्गियों का हैजा बना दिया, इसको मुर्गी का टाइफाइड बना दिया, तो मतलब ये है जीवाणु जनित ही, लेकिन ये मुर्गियों में हो रहे हैं तो इसको अपन फाउल टाइफाइड बोलेंगे, मानव में हो रहा है तो सीधा टाइफाइड बोलते हैं। ठीक है, अपन अपने पास से ह्यूमन टाइफाइड भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, अपन सीधा जब मानव रोग पढ़ते हैं तो उस टाइम टाइफाइड ही पढ़ते हैं, क्योंकि अपन को पता है अमन मानव रोग पढ़ रहे हैं, तो वहां पे अपन को ह्यूमन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो ये दोनों ही ना साल्मोनेला जीवाणु से होते हैं। कौन से जीवाणु से होते हैं? साल्मोनेला। यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा आपको याद करना है कि ये साल्मोनेला पुलोरम है, इसमें तो सीधा पता चल ही जाएगा कि इस रोग का नाम है पुलोरम, और ये कौन से जीवाणु से होते हैं? तो साल्मोनेला पुलोरम से, तो इसमें तो कोई याद करने वाली बात ही नहीं है। एक दो बार, यानी आपने पहली बार देखा है तो आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन एक दो बार आप याद करेंगे तो फिर आपको ये इजी लगने लगेगा। अब देखिए फाउल टाइफाइड, टाइफाइड में आप मानव रोग में पढ़ते हैं कि जो टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी से होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, साल्मोनेला गैलिनारम, ये नाम याद रखना पड़ेगा, गैलिनारम। वैसे आप देखेंगे तो गैलस गैलस डोमेस्टिकस, ये मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होता है, तो यहाँ पे ये गैली इसलिए आया है क्योंकि फाउल टाइफाइड है, तो साल्मोनेला गैलिनारम याद रख लेना। तो यहाँ पे दोनों में साल्मोनेला है स्टार्टिंग में, लेकिन वहाँ पे पुलोरम रोग है तो यहाँ पे पुलोरम है, यहाँ पे टाइफाइड की जगह यहाँ पे टाइफ ही नहीं है, यहाँ पे बस गैलिनारम लिख दिए। अब देखिए एक है फाउल कोलेरा, तो फाउल कोलेरा के बारे में याद रख लेना, इसका जो रोगकारक है ना वो अचस के साथ मिलता है, यानी जो आपका हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है जिसको अपन गलघोटू बोलते हैं, उसका जो रोगकारक है वही रोगकारक इसका है। ठीक है, पास्चुरेला पास्चुरेला मल्टोसिडा,
ठीक है, दोनों का सेम रोग कारक है, लेकिन याद रख लेना जो अचस है ना उसका रोग कारक है वो पास्टोरेला मल्टोसिड है, इसका भी है, लेकिन इसको बोला जाता है एवियन अचस। यानी आपसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि मुर्गियों में किस रोग को एवियन अचस यानी एवियन हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया के नाम से जाना जाता है, तो फाउल कोलेरा को, मुर्गी हैजा को एवियन अचस के नाम से जाना जाता है। तो इसका अन्य नाम लिख लेंगे यहां पे, इसको बोला जाता है एवियन अचस, ठीक है, तो ये याद रख लेना। इसके बाद में देखिएगा इन्फेक्शियस कोरिजा है, ये संक्रामक सर्दी जुखाम है, इसमें भी याद रख लेना, इसमें कुछ याद नहीं रखना, ये जो गैलिनार्म है ये पैरा गैलिनार्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है वो है होमोफाइल्स, ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है, मुझे नहीं लगता है कि ये पूछा जाएगा, लेकिन ये सीधा आ सकता है कि इन्फेक्शियस कोरिजा रोग है मुर्गियों में ये किसके कारण होते हैं, तो कई साथी है ना वो इन्फेक्शियस देख के वायरस के साथ जाएंगे, लेकिन ये जीवाणु जनित है। तो होमोफाइल्स यहाँ पे देखिएगा गैलिनार्म है, यहाँ पे पैरा गैलिनार्म है, पैरा गैलिनार्म, ठीक है, तो याद रख लेना पैरा गैलिनार्म। अब ये आपके जीवाणुजनित रोग हो गए चार, इनका नाम याद रख लेना। और यहाँ पे अपन देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण रोग, जिसमें अपन जो ये प्रोटोजा जनित है ये अपन कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसमें एक कोक्सीडियोसिस रोग है उसको कंप्लीट पढ़ेंगे, और वायरस में एक तो है फाउल फॉक्स जिसको अपन मुर्गी चेचक बोलते हैं, और एक है रानीखेत न्यूकैसल रोग, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में अपन वायरस पे चर्चा करेंगे, ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर साथ में नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, बनाते जाइएगा। अब देखिएगा वायरस जनित अपन पढ़ते हैं, वायरस में देखिएगा वायरस में चार पांच रोग हैं उनके नाम आएंगे, तो वायरस को मैं यहां पे लेके आता हूं। तो वायरस में देखिएगा एक तो है फाउल पॉक्स जिसको बोला जाता है मुर्गी चेचक, ठीक है, दूसरा आता है रानीखेत जिसको बोला जाता है न्यूकैसल, ये सीधा नाम पूछा गया था कि किस रोग को न्यूकैसल कहा जाता है, तो रानीखेत को, तीसरा आता है इसमें मारेक रोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, चौथा आता है इसमें IBD जिसको बोला जाता है इन्फेक्शियस, ठीक है, एक बार लिख रहा हूं, ऐसे मत समझना कि आपको समझा नहीं रहा हूं, एक बार लिख रहा हूं, इन्फेक्शियस बुरसल या बर्सल बोलते हैं इसको, वैसे लगा है लगता है कि बुरसल है लेकिन इसको बर्सल बोलते हैं, तो बर्सल डिजीज, ठीक है। अब देखिएगा एक और रोग आता है, उसका नाम है आपका इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, तो ये देखिए ये पांच रोग हैं जो वायरस जनित है मुर्गियों में महत्वपूर्ण है। तो यहां पे देखिएगा जो मुर्गी चेचक है इनके रोग कारक मैं अभी आपको लिखा देता हूं ताकि आपको याद रह जाए, जैसे अभी जेट एग्जाम हुआ था उसमें FMD रोग का वायरस पूछा था, लेकिन वो जो 12th की बुक है ना एग्रीकल्चर उसमें लिखा था पिक्रोना वायरस, लेकिन वहां पे ऑप्शन में आया था एप्ता वायरस, तो ऐसे कुछ नाम है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिएगा फाउल पॉक्स है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना याद रख लेना इसका जो रोग कारक है उसका नाम है एवी पॉक्सा वायरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे एवी पॉक्सा वायरस। उसके बाद में देखिएगा रानी खेत है, तो रानी देखो रानी क्या होती है, परी होती है, क्या होती है, परी, यहां से हो जाएगा पैरा माइक्सो वायरस, और ये भी टाइप फर्स्ट, याद रख लेना। तो रानीखेत का जो रोग कारक है वह है पैरामाइक्सो वायरस टाइप फर्स्ट, ये इसका रोग कारक है। मारेक का देखें तो मैं से मारेक, और मारेक में ट्रिक मैंने बनाई है, उसका नाम है महा, ठीक है, यानी आपने ऐसे ही पूछ लिया कि मारेक रह गए वो कौन से माह में होता है, तो यहां से देखेंगे माह से हो जाएगा मारेक, ऐसे हो जाएगा हर्पीज वायरस, तो याद रख लेना हर्पीज वायरस के कारण ये होता है।
और देखिएगा इसको कहीं पे मेरेक्स भी लिखा हुआ आता है, इसका मतलब यही है, मारेक रोग या मेरेक्स रोग। ठीक है, अब देखिएगा ये जो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज है, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, यहाँ पे बर्सल है ये। ठीक है, तो इस बर्सल से याद रख लेना बिरना वायरस, बर्सा बिरना। ठीक है, बर्सल बिरना, तो ये बिरना वायरस हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, इसके बारे में कुछ याद नहीं रखना है आपको, बस इतना याद रखना है कि इसका जो वायरस होता है वो कोरोना वायरस समूह से संबंधित है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये जो आपका बर्सल बिरना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अन्य नाम है ना, ये जो IBD इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, इसका अन्य नाम नोट करके लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। इसका नाम है गैम्बोरो रोग। अब आपसे पूछेगा कि गैम्बोरो रोग है वो कौन सा है, वायरस जनित है, जीवाणु जनित है, आप कहेंगे वायरस जनित है। मारेक रोग भी पूछा गया है, याद रख लेना वायरस जनित है। यहाँ पे मैं मारेक रोग की बात करूँ, इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मारेक रोग में क्या होता है, तो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, मारेक रोग में क्या होता है, मारेक रोग या जिसको मेरेक्स बोलते हैं, इसमें होता क्या है कि एक टांग है वो तो इधर आगे की ओर विस्तारित हो जाती है और एक है वो पीछे की तरफ, यानी मुर्गी की जो या चूजा होता है उसकी टांग है वो ऐसे हो जाती है, यानी एक का तो विस्तार हो जाता है पीछे, एक का आगे। इसलिए इसमें महत्वपूर्ण विशेषता आती है कि किस रोग में जो चूजा होता है या मुर्गी होती है, यानी मुर्गी लिख देता हूँ, मुर्गी की जो एक टांग है वो तो अग्रवर्ती विस्तार हो जाता है, अग्रवर्ती विस्तार, और जो दूसरी टांग है उसका पश्चवर्ती विस्तार। तो याद रख लेना कि कौन से रोग में मुर्गी की जो दोनों टांगें हैं उनमें एक टांग का विस्तार है वो अग्रवर्ती हो जाता है और दूसरे का पश्चवर्ती हो जाता है, तो ये रोग होता है मारेक रोग, जिसको बोलते हैं मेरेक्स रोग, और इसका जो वायरस है वो हर्पिज वायरस। तो ये अपन ने वायरस जनित 5 रोगों के बारे में देख लिया, कल अपन रानीखेत, फाउल पॉक्स और ये जो आपका है ना प्रोटोजोआ जनित खूनी पैचिस या जिसको खूनी दस्त बोलते हैं कोक्सीडियोसिस रोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे प्रोटोजोआ जनित रोग है उसको मैं लिखा ही देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो अब ले लो, ठीक है। मैं इधर हो जाता हूँ एक बार, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए जो प्रोटोजोआ जनित रोग है उसका नाम है कोक्सीडियोसिस रोग है। तो ये प्रोटोजोआ जनित एक ही है, इसका जल्दी से लिख लेंगे क्योंकि क्लास है वो बड़ी हो रही है, लगभग 24 मिनट के आसपास हो गई है। प्रोटोजोआ, इसका नाम है कोक्सीडियोसिस, ठीक है। और मैं बात करूं कोक्सीडियोसिस रोग है ना, इसका जो प्रोटोजोआ है वो होता है इमेरिया वंश का, तो ये सीधा आएगा कि कोक्सीडियोसिस रोग किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। इसका जो प्रोटोजोआ होता है उसका वंश कौन सा होता है, इमेरिया। और याद रख लेना इस इमेरिया वंश में जो महत्वपूर्ण जो प्रोटोजोआ है उनके नाम जो खतरनाक है इस रोग के लिए, कोक्सीडियोसिस को बोलते हैं खूनी दस्त, पहले तो ये लिख लो खूनी दस्त, या इसी को बोला जाता है खूनी पेचिस, तो वो सीधा कोक्सीडियोसिस नाम न देख के खूनी पेचिस रोग पूछ सकता है कि किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ। और याद रख लेना इसमें 3 है, जिसमें याद रख लेना ट्रिक मैंने बनाई है असरनेटी, ठीक है। इसमें देखिएगा इमेरिया वंश के जो 3 प्रोटोजोआ है उनके कारण ये मुख्य रूप से कोक्सीडियोसिस रोग होते हैं, तो इसमें एक आता है एसर बुलिना, ये है एसरनेटी एसर बुलिना, और ये है ने से नेकाट्रिक्स, और ये टी से है टेनिला,
ठीक है, इसको सीधा लिख सकते हैं टेनिला। और याद रख लेना इसमें जो खतरनाक होते हैं ना सबसे, वो होते हैं नेकाट्रिक्स और टेनिला, खतरनाक। यानी कोक्सीडियोसिस रोग के लिए जो इमेरिया वंश के प्रोटोजोआ हैं उनमें जो सबसे खतरनाक है वो है, एक तो है नेकाट्रिक्स, दूसरा है टेनिला, ठीक है। इसके अलावा असर बुलिना भी होता है, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, ये दोनों ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें अपन ने मुर्गी रोगों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें पढ़ी जो सीधा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, और जितने भी दोस्त आपके पशु परिचर्या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद लगी है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है करो या ना करो, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में, धन्यवाद।